बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल्स क्या है, दो चीज़ें आपने इसकी मेन याद रखनी है कि एक तो ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, इसे ग्राफ की सूरत में हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपने जब मेरा लेक्चर सुनना है स्टूडेंट, इससे पहले आपने जो प्रीवियस लेक्चर्स है, क्योंकि मैंने लेक्चर्स की नंबरिंग दी होती है, वो आपने मस्त सुनना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको नेक्स्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा, क्योंकि मैं फिर प्रीवियस लेक्चर्स पे इतनी तवज्जो नहीं देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं उसे डीपली एक्सप्लेन कर चुकी होती हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आपने स्टूडेंट पहले प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं, देन ये लेक्चर सुनना है ताकि आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अच्छा स्टूडेंट, कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या कहा था कि हम कॉन्टीन्यूस नंबर लेते हैं, इंटरवल ऑफ वैल्यूज़ हमें गिवन होती हैं, और उन इंटरवल ऑफ वैल्यूज़ के दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ आ रही होती हैं वो हमने लेनी होती है, जैसे कि ये आपके पास ए एंड बी की सूरत में पेश। फिर हमने कहा था कि जो कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमारे पास नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, उसमें नेगेटिव वैल्यूज़ इज़ नॉट इंक्लूडेड होती हैं। फिर टू इंटरवल गिवन होते हैं, उन्हीं इंटरवल के दरमियान हम वैल्यूज़ ले रहे होते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि टोटल एरिया अंडर द कर्व इज़ इक्वल्स टू 1 होता है। अक्सर आपके पास ये आ जाता है, प्रूफ भी आ जाते हैं कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के, जी ये आपके पास फंक्शन है, ये वैल्यू है, आप शो करके बताएं टोटल एरिया अंडर द कर्व इज़ इक्वल्स टू 1। तो जब आपके पास आंसर, आप सॉल्व करने से आंसर 1 की इक्वल आएगा, इट्स मीन आपने उस चीज़ को प्रूफ कर दिया और आपको श्योर होते हो कि आपके पास आंसर ट्रू आ रहा है। अब कुछ मैं एग्जांपल्स आपको स्टूडेंट करवाऊंगी जो कि कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हैं। अब देखिए, हम कहते हैं अ कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स विच अज्यूम्स द वैल्यू बिटवीन एक्स इज इक्वल्स टू 2 एंड एक्स इज इक्वल्स टू 4 हैज़ द डेंसिटी फंक्शन गिवन। जी स्टूडेंट, आपको फंक्शंस गिवन है, लिमिट्स आपको दे दी गई है। अब 2 एंड 4, 2 इज़ द लोअर लिमिट है, 4 इज़ द अपर लिमिट्स है, फंक्शन आपको गिवन दे दिया गया। अब स्टूडेंट, इसके टू मेथड्स हैं, मैं आपको इसका अल्टरनेटिव मेथड करवाऊंगी जो कि आपके लिए इजी है, इंटीग्रेशन की फॉर्म में है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड वो मैथ्स के भी स्टूडेंट होते हैं, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अब स्टूडेंट, इसमें हमारे पास जो मैथड है वो मैं आपको यूज़ करवाऊँगी, अल्टरनेटिव मैथड। अब स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम कहते हैं कि जी लिमिट्स हमें गिवन थी फंक्शन, आपने अभी क्या पढ़ा था कि माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी फंक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ एक्स, ये आपके पास आ गया था। अब हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, सबसे पहले तो हमने फाइंड करना है जी इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आंसर इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जो कि हमने सेकंड प्रॉपर्टी भी डिस्कस की है और ये आपके पास अक्सर प्रूफ में भी आते हैं। अब स्टूडेंट, ये तो सिंपल है, आपको फंक्शन अगर गिवन है, फंक्शन आपके पास क्या था, 1/8 एंड 1+x, अगर आपके पास फंक्शन गिवन है तो सिंपली आप fx की जगह वो फंक्शन पुट कर दो, आप इसकी जगह पे फंक्शन पुट कर दो, क्योंकि 1/8 कांस्टेंट था तो हमने बाहर ले लिया, बाकी चीज़ हमने ऐसे लिख दी। अब यहाँ स्टूडेंट हमने लिमिट्स भी पुट कर दिए, यहाँ भी हमारे पर लिमिट्स आ गए। अब डेरिवेशन, इंटीग्रेशन का एक रूल्स हैं जो कि आपने माइंड में रखने, अगर आप 1 की इंटीग्रेशन लेते हो तो वो हमेशा इक्वल होती है x की, और अगर आप ले रहे हो x की इंटीग्रेशन तो आप क्या करते हो कि जितनी पावर होती है, जैसे कि x की पावर 1 है, उस पावर में 1 ऐड करते हो और फिर वही पावर उठा के नीचे लिख देते हो, तो हमारे पास x की पावर 2 एंड 2 डिवाइड बाई 2 ये वैल्यू आ जाए। देखिए सेम यहाँ उन्होंने प्रोसेस किया, पहले 1 की इंटीग्रेशन ली वो x आ गया, इसी तरह x की इंटीग्रेशन ली वो आपके पास ये आ गया, और लिमिट्स अप्लाई करनी। अब एक बार हमने पहले 4 लिमिट्स, अच्छा एक और चीज़ स्टूडेंट हमेशा याद रखें, सबसे पहले अपर लिमिट्स अप्लाई करते हो, देन लोअर लिमिट्स करते हो, और इनको माइनस करते हैं। अपर लिमिट्स जहाँ जहाँ x की वैल्यूज थी माइनस लोअर लिमिट्स, और इसको सॉल्व किया तो आपके पास जो आंसर आएगा इज इक्वल्स टू 1, इट्स मीन इट्स अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो ये आपके पास प्रूव हो गया। देन उन्होंने आपको दिए थे जी लिमिट्स, अब उन्होंने चेंज कर दिए, उन्होंने कहा जी अब जो आपकी लोअर लिमिट्स है वो 2.4 है और जो अपर लिमिट्स है वो 3.5 है, इट्स मीन लिमिट्स आर चेंज। आपके पास फंक्शन तो सेम है, मेथड तो सेम है, सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग कहाँ पे आएगी स्टूडेंट, कि जहाँ आप x की वैल्यूज़ पुट करते हो ना फंक्शन सॉल्व करने के बाद, वो अब आपके पास, आपने पहले अपर लिमिट्स पुट करनी है, फिर माइनस लोअर लिमिट्स करनी है, तो यह जब आप इसे सॉल्व करोगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट उन्होंने अगेन आपको ये कहा है कि जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उन्होंने दे दिया जी अपर लिमिट्स दे दिया जो कि 3.5 है, लोअर लिमिट उन्होंने नहीं दी, उन्होंने साथ लिख दिया कि पी जो है वो एक्स इज़ लोअर लिमिट। अब स्टूडेंट आपको पता है कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की जो मेन वैल्यूज़ गिवन थी ना
वो आपको गिवन थी 2 to 4 गिवन थी, जो आपके पास मेन लिमिट्स गिवन थी। अगर उन्होंने आपको अपर लिमिट्स गिवन दे दी है 3.5, तो लोअर लिमिट्स तो ऑलरेडी आपके पास है, आपको यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपको डायरेक्ट 2 लोअर लिमिट्स ले लेनी है। हाँ, अगर आपको 2 गिवन होता और कहते 2 की जगह कुछ और 2.5 दिया होता और कहते जी अपर लिमिट्स आप खुद नोट कर लें, तो अपर लिमिट्स भी आपको गिवन है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं जो स्टूडेंट को कन्फ्यूज़ कर देते हैं। तो अपर लिमिट्स आपको गिवन है, लोअर लिमिट्स भी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो आप लोअर लिमिट वहाँ से ले लें, इसको सॉल्व करें। ये भी सेम वैसे ही है, यहाँ भी आपने सिर्फ एक्स की वैल्यूज की जब लिमिट्स पुट करनी है तब चेंजिंग आएगी और ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, एक और हमेशा चीज़ याद रखनी है, बिल्कुल भी मिस्टेक इसमें नहीं करनी है और स्टूडेंट मेजॉरिटी इसमें मिस्टेक करते हैं, आपको कभी भी कॉन्टीन्यूस में एग्जैक्ट डिजिट नहीं गिवन होता। अगर एग्जैक्ट डिजिट गिवन है तो इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमने एग्जैक्ट में क्या करना है, इसका मतलब है कि आपके पास लोअर भी सेम है अपर भी सेम है, ठीक है। तो ये सिचुएशन हमारे पास नहीं होती, जब आप इसे माइनस करोगे ना तो वो तो 0 के इक्वल आएगा। तो यहाँ आपको एग्जैक्ट लिमिट जब भी गिवन हो इक्वल के साथ, वो आपके पास ऑलवेज इक्वल्स टू होगा 0। तो ये आपके पास एग्जांपल थी कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल की। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आई होगी, इससे रिलेटेड मैं आपको और भी एग्जांपल करवाऊंगी जिसमें आपको के की वैल्यूज फाइंड करने की दे दी जाती है, ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए दे दी जाती है और फिर आपने फंक्शन को शो करना होता है। तो उस तरह के क्वेश्चन भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।